नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से। दोस्तों लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था वो था किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के पहले अगले दिन क्या होता है। अब बहुत सारे रिक्वेस्ट हमको आई है कि किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के बाद पहला हफ्ता यानी कि पहला एक वीक क्या क्या होता है, ये बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ऑपरेशन का वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि हमारा एक्सपीरियंस हमारा खुद का है। हर एक हॉस्पिटल में हर पेशेंट के साथ कुछ ना कुछ अलग ट्रीटमेंट दी जाती है, कुछ ना कुछ अलग रिपोर्ट्स होते हैं, कुछ अलग दवाइयां होती है, तो सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं। ये जो हम बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि हमारे ऑपरेशन के बाद क्या हुआ था। दोस्तों मैं खुद पेशेंट हूं और मुझे किडनी दी गई थी मेरे भैया के द्वारा। मेरे भैया की किडनी मुझे मिली है और मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद 5 बजे मेरा ऑपरेशन खत्म हो गया था और रात को 9 बजे तक मुझे होश नहीं आया था। मैं बहुत देर तक सोता रहा था। रात को 9-10 बजे मुझे होश आया और तब मुझे बहुत ज्यादा पेन फील हुआ, बहुत ज्यादा दर्द हुआ, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो चुका था। अभी जो स्टिचेस थे वो एकदम ताजा थे तो मुझे दर्द हुआ, लेकिन मुझे नींद भी इतनी आ रही थी कि मैं तुरंत सो भी गया। वो दर्द मेरे लिए मायना नहीं रखता था, मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं तुरंत सो भी गया। जब मैं जागा था थोड़ी टाइम के लिए तब मैंने देखा था कि मैं आईसीयू में हूं और मुझे बहुत सारी निगरानी के अंडर रखा गया था। मेरे पल्स, मेरे हार्टबीट्स कंटिन्यूअसली चेक किए जा रहे थे, मेरा बीपी चेक किया जा रहा था और मुझे पानी दिया जा रहा था, यानी कि एनएस दिया जा रहा था। मैं मुंह से तो कुछ ले नहीं सकता था क्योंकि मैं सोया हुआ था, तो वो लोग मुझे कंटिन्यूअस यहाँ नीडल डाल के हाथ में और कंटिन्यूअस एनएस की बोतल दे रहे थे। वो मुझे बाद में पता चला था कि वो पहले ही दिन मुझे 13 लीटर एनएस दिया गया था, उसमें से 9.5 लीटर मेरा यूरिन हुआ था। अब यूरिन करने के लिए मैं कहीं पे जा तो नहीं सकता था, इसलिए यूरिन की मुझे नली लगाई गई थी और ये सब चेक किया जाता है कि कितना पानी इनपुट हुआ और कितना यूरिन हुआ। ये सब पहले दिन हुआ। मुझे दूसरे दिन तो होश आ गया था, काफी होश में था, लेकिन ट्रीटमेंट वही थी। बहुत सारा पानी एनएस के द्वारा भी दिया गया था और बहुत सारा ओरली भी पिया गया था। तो दूसरे दिन मैंने कुछ 18 लीटर इनपुट किया था, 18 लीटर लिक्विड अपने अंदर डाला था, जिसमें से 13.5 लीटर यूरिन हुआ था। दोस्तों ये किडनी जो डायलिसिस होता है उस वक्त जो हमें पानी की प्यास लगती है ये सारी उस दिनों में पूरी हो गई थी। 2 से 3 दिन में इतना सारा पानी पी लिया था कि बहुत मतलब पानी पीने का मजा आ गया था, इतना सारा पानी हमको पिया गया था। लेकिन हाँ ये बात भी होती है कि पानी इतना सारा पिया था इसलिए पेट में जरा भी जगह नहीं थी कुछ खाने की। तो मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ, 2-2.5 दिन तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था, पानी ही इतना भरा था, कुछ खाया नहीं गया। और स्टिचेस का पेन इतना ज्यादा था कि मैं चल के बाथरूम तक यूरिन के लिए, पेशाब करने के लिए नहीं जा सकता था। तो मुझे वो नली भराई हुई थी यूरिन की और वो मेजर किया जाता था कि कितना पानी लिया और कितना निकला यूरिन के द्वारा, वो सब मेजर किया जाता था। जो भी दवाइयां थी वो टाइम टू टाइम नर्स आते थे कि ये 10 बजे दवाइयां लेनी है, इतनी निकाल के दे देते थे कि ये दवाइयां ले लेना, जैसे 12 बजे तो 12 बजे ये दवाई ले लेना। मुझे कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता था, बहुत ही नॉर्मल था माहौल, मैं आराम पे था, सब कुछ ठीक था। ये चीज भी थी कि थोड़ा सा पेट में दर्द था, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है उसके तुरंत बाद कुछ गैस हो जाता है पेट में, थोड़ी एसिडिटी हो जाती है। तो 2 दिन तक हल्का हल्का सा मुझे पेट में भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो भी 2 दिन के बाद जैसे ही पेट थोड़ा हल्का हुआ, मैं खाना खाने लगा, पानी पीना थोड़ा कम हुआ, मेरा जो 13 लीटर 15 लीटर था वो 10 लीटर पे आ गया, तो पेट में थोड़ी सी जगह हुई, फिर मैं थोड़ा खाने लगा, वो सब ठीक हो गया। मतलब 2 से 3 दिन में मेरा पेन भी काफी हल्का हो चुका था, यूरिन की नली निकाल दी गई और मैं चलते चलते बाथरूम तक जाने लगा। डॉक्टर ने यह भी बोला था कि अब चलते जाना है आपको बाथरूम तक और जैसे ही आप चलना शुरू करोगे प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे ये स्टिचेस का जो टांके लिए गए हैं उसका पेन कम होता जाएगा। तो वही हुआ, 2 या 3 दिन के बाद मेरा यूरिन की नली निकाल दी गई और मैं खुद बाथरूम तक जाता था यूरिन के लिए, और वैसे ही मुझे चलने की भी आदत हो गई और स्टिचेस का पेन भी कम हो गया। नॉर्मली मैं घर का सब कुछ खाना खाने लगा। फिर रोज सुबह में ब्लड लिया जाता था रिपोर्ट के लिए। तो दोस्तों जैसे ही ऑपरेशन हुआ दूसरे दिन से रिपोर्ट चालू किया गया, ठीक है, और 2 या 3 दिन में ही मेरा क्रिएटिनिन जो 16 तक था ऑपरेशन के पहले वो डायरेक्ट 3 पे आ गया 2 या 3 दिन में ही, और धीरे धीरे वो कम आता गया। बाकी सारी चीजें की जाती है, मेरा एक्सरे किया गया था ऑपरेशन के बाद, सोनोग्राफी की गई, किडनी की फंक्शंस देखी गई, किडनी की साइज देखी गई, कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो सारे रिपोर्ट भी ट्रांसप्लांट के बाद हुए। जैसे ही वो रिपोर्ट सब नॉर्मल हो गए 2-3 दिन में, दूसरे 2-3 दिन मुझे रखा और तकरीबन 1 हफ्ते बाद मुझे छुट्टी दे दी गई। बस यही होता है दोस्तों। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्रांसप्लांट तक पहुंचने की जो प्रोसीजर है उसमें उतना मजा नहीं आता, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद का ये पहला 1 हफ्ता बहुत ही एक्साइटेड होता है, बहुत ही मजा आता है, लेकिन आरामदायक भी होता है। तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ अच्छा ही होता है। ज्यादातर सब कुछ ख्याल आपके नर्स आपके डॉक्टर रखते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सी दवाई लेनी है,
वो सब कुछ ध्यान वो लोग रखते हैं, बाकी सब आराम से हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने वाले हो तो कुछ भी चिंता मत करिए, आपका ट्रांसप्लांट भी इसी तरह इजी से हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे एक्सपीरियंस से कुछ लोगों को हफ्ते की जगह 10 दिन लग सकते हैं, कुछ लोगों को 15 दिन लग सकते हैं, और मैंने ये भी किससे सुना है कि कुछ लोगों को 4 दिन में भी छुट्टी दे देते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने जल्दी आपके रिपोर्ट नॉर्मल हो जाते हैं, कितनी फास्ट आपकी किडनी नई वाली किडनी काम करती है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये था दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस पेशेंट की दूर से। मेरे भैया जो डोनर है उन्होंने भी एक वीडियो बनाया है कि डोनर का क्या एक्सपीरियंस रहा है ट्रांसप्लांट के बाद, ठीक है, तो वो वीडियो भी आप देखिए। ट्रांसप्लांट के पहले का एक्सपीरियंस देखना है तो वो वीडियो भी हमने रखा हुआ है ऑलरेडी, वो भी आप देख सकते हो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ये चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग हमारे एक्सपीरियंस से बहुत सारे जो सजेशंस होते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, डायलिसिस के बारे में, वो सब आपको बताते रहते हैं, जिसमें बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपको भी काम में आएगी। और दूसरे कोई पेशेंट हो आपके ध्यान में तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर करिए, उनको भी बहुत काम में आएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यही शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।